अमिताभ बच्चन ने पे किया 53.81 करोड़ रुपीस का इनकम टैक्स। वेल, ये इनकम टैक्स पे करके अमिताभ बॉलीवुड में सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले एक्टर बन गए हैं। करीना कपूर सिर्फ एक महीने में बनाएंगी सिक्स पैक एब्स। वेल, अपकमिंग फिल्म शुद्धि के लिए करीना ने सिक्स पैक एब्स बनाना शुरू कर दिया है। सलमान खान की फिल्म नो एंट्री का सीक्वल ऑफिशियली फाइनल हो गया है। इस फिल्म में सलमान, अनिल और फरदीन के साथ साथ 10 हॉट गर्ल्स भी होंगे। ऐश्वर्या राय बच्चन ने की एक स्पेशल रिक्वेस्ट। एक एड शूट ऐश्वर्या ने महबूब स्टूडियो की बजाय बांद्रा में रखवाई, ताकि पास में अपनी मम्मी के घर में जाकर वो आराध्या से मिल सके, क्योंकि ऐश नहीं चाहती कि आराध्या को शूटिंग लोकेशन पर लाया जाए। नील नितिन मुकेश की फिल्म दशहरा प्रॉब्लम्स में आ गई है, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर के अगेंस्ट फिल्म के प्रोड्यूसर ने हरासमेंट का एलिगेशन लगाया है। फीमेल प्रोड्यूसर ने पुलिस कंप्लेंट में कहा है कि डायरेक्टर ने उनके साथ बैड बिहेव किया है। सलमान खान और अनिल कपूर बन सकते हैं पड़ोसी, क्योंकि जूम को पता चला है कि जिस बिल्डिंग में सलमान ने अपने लिए नया घर खरीदा है, उसी बिल्डिंग में अनिल कपूर ने भी अपने लिए नया घर खरीद लिया है। वह आपको बता दें कि सलमान और अनिल कपूर दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। रणवीर सिंह डेंगू के ट्रीटमेंट के बाद घर लौट आए हैं। वेल, डॉक्टर्स ने रणवीर को फुली रेस्ट करने को कहा है, लेकिन लगता है कि रणवीर काम के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने घर पर ही न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को फोनो इंटरव्यूज देना शुरू कर दिया है। सैफ और करीना कहां सेलिब्रेट करेंगे अपनी वेडिंग एनिवर्सरी? वेल, जूम यही रिवील करने जा रहा है। सैफ और करीना दोनों लंदन में 16 अक्टूबर के दिन, यानी कि अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जिसके लिए करीना ने सैफो के लिए काफी सारे सरप्राइजेस भी प्लान कर रखे हैं। ऋतिक रोशन ने फिल्म हैमलेट को करने से इनकार कर दिया है। मुंबई के एक टैब्लॉइड की माने तो तिग्मांशु धूलिया ऋतिक रोशन को अपनी इस बिग बजट फिल्म में साइन करना चाहते थे, लेकिन ऋतिक ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफी हद तक अग्निपथ जैसी ही है। अमिताभ बच्चन के साथ नजर आएंगे फरहान अख्तर। वेल, फरहान अख्तर और अमिताभ दोनों शैतान फेम डायरेक्टर बिजॉय नाम्बियार की नेक्स्ट फिल्म में नजर आएंगे, जो एक हाई वोल्टेज ड्रामा है। फिल्म को विधु विनोद चोपड़ा प्रोड्यूस करने वाले हैं, और आपको बता दें कि फिल्म का नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ऐशा गुप्ता और बिपाशा बासु के बीच में शुरू हो गई है कैट फाइट। सोर्सेज की माने तो साजिद खान की नेक्स्ट फिल्म हमशक्ल के सेट पर दोनों एक दूसरे को कर रही हैं काफी ज्यादा इग्नोर। सेट पर मौजूद लोगों की माने तो दोनों एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते। वेल, बता दें कि फिल्म राज 3 में भी दोनों हीरोइंस एक साथ थी।